वेलकम टू प्राइम एजुकेशन। आज हम डेली करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं अब आपके लिए डेली करंट अफेयर लेके आऊंगा। और थोड़ा चेंज ये होगा कि मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा आपसे दो क्वेश्चन, दो से तीन क्वेश्चन पुट करूंगा, उनके आपको आंसर देने होंगे और वो हॉट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? आपको आंसर करना है कॉमेंट बॉक्स में कि किसको नियुक्त किया गया है। मैं पर्सनली कमेंट्स को चेक करूंगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक सी विजिल ऐप है, ये किसने लॉन्च की थी और इसका काम क्या है, इसका पर्पज लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो गूगल से सर्च करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो करंट अफेयर करेंगे वो 21 और 22 मार्च के लिए करेंगे। तो सबसे पहला करंट अफेयर देखते हैं, है क्या, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश हो गई है और इसमें इंडिया की रैंक क्या आई है। आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक क्या आई है। इंडिया की रैंक है 140 आउट ऑफ 150 नेशन। ये 140 आप याद कर लीजिए, यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। तो इसमें जो पाकिस्तान है वो हमसे काफी आगे है। पाकिस्तान की जो रैंक है वो 67 है। तो हमें याद नहीं करना है, हमें सिर्फ इंडिया की रैंक याद रखनी है और फिर हम देख सकते हैं कि टॉप किसने किया है इसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, यूनाइटेड नेशन के बिहाफ पर पब्लिश करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यानी कि कुल मिलाकर आप कह सकते हो यूनाइटेड नेशन ही पब्लिश करता है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो जिन कंट्रीज ने टॉप किया है वो है डेनमार्क, फिनलैंड ने सबसे ऊपर टॉप किया है, सेकेंड है डेनमार्क और नॉर्वे। ये तीन नाम और एक्स्ट्रा आप याद रख सकते हो, डेनमार्क के आपका इधर है और फिनलैंड आपका इधर है और नॉर्वे इधर है। कुल मिलाकर तीन नाम याद रखने हैं। और इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक है 140। किसी भी तरह का इंडेक्स या आपको कोई भी इंडिया की रैंक होती है, रिपोर्ट आती है, उसमें इंडिया की रैंक क्या है वो हमेशा याद रखनी है। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंडिया की रैंक क्या है, ऐसे ऐसे इंडेक्स होते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा बैंक एग्जाम में तो फिक्स है, हमेशा पूछा जाता है और नॉन बैंकिंग एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिच एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट का जो अनुमान लगाया था उसको अब कम कर दिया है। किस साल के लिए, 2019 और 20 के लिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की आपको जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्टिंग याद रखनी है तो 2019 और 20 के लिए होनी चाहिए, ना तो 2021 के लिए होनी चाहिए ना 2018-19 के लिए होनी चाहिए। जब भी कोई देखो तो ये याद रखना है। तो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट की थी फिच ने, फिच एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, कितनी अनुमानित की है फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, 6.8। इसने पहले कितनी अनुमान की थी, 7% की थी, अब इसने कम कर दी है। कम क्यों कर दी है, आपको थोड़ा सा याद हो 7 फेब को आपकी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आई थी, ठीक है, जो आरबीआई पब्लिश करता है, उसमें रेपो रेट को 0.25 बेसिस पॉइंट्स रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। इसलिए फिच ने अनुमान लगाया है कि जो इंडिया है थोड़ी स्लोअर रेट से ग्रोथ करेगा। इसी तरह से कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट आपको याद रखनी है, जैसे एक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडी। मूडी की भी अभी मार्च मंथ में ही आई थी, इसके अकॉर्डिंग इंडिया कितनी रफ्तार से ग्रोथ करेगा, 7.3%। किस ईयर के लिए है, वही 2019 और 20 के लिए। आगे आपको कुछ और होंगे जिनकी याद रखनी होगी, जैसे आरबीआई के अकॉर्डिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट, इंडिया की जीडीपी किस रेट से ग्रो करेगी, यानी आरबीआई ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी फोरकास्ट की है। एक और ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका नाम है सीएसओ, ठीक है, सीएसओ के अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट किस रफ्तार से ग्रोथ करेगी। सीएसओ स्टैंड फॉर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा भाई, ऑफिस होगा, याद रखना। तो अभी आप दो के लिए याद रखो, फिच के अकॉर्डिंग है 6.8 और मोदी के अकॉर्डिंग है 7.3। अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा है,
जो रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया की, जिसका नाम है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, और ये कहाँ में है, चेन्नई में है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन गई है, यानी कि जहां पर रेल के जो डिब्बे होते हैं, जो हमारे कोचेज होते हैं, वो सबसे ज्यादा बनाए जा रहे हैं। पहले हमसे आगे था चाइना, अब हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है और इंडिया सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेल कोच मैन्युफैक्चर बन गया है। तो इससे जुड़ी हुई एक इंफॉर्मेशन और देता हूं, आपको याद होगा ट्रेन 18 को भी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में ही बनाया गया है। इंडिया की सबसे बड़ी कोच मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है ये, और ये कहां पर है, चेन्नई में है। 2018 में 2 से 3 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट होते रहे हर एग्जाम में कि ट्रेन 18 को कहां बनाया गया है। तो ऑप्शन में होता था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री या चेन्नई, तो ये कोच फैक्ट्री चेन्नई में है, तो दोनों ही इसके आंसर होंगे। ट्रेन 18 को चेन्नई में बनाया गया था, और किस कंपनी द्वारा बनाया गया था, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा बनाया गया था। फिर इससे जुड़ी हुई नई अपडेट क्या है, ट्रेन 18 का रीनेम कर दिया गया है। रीनेम क्या कर दिया गया है, वंदे भारत एक्सप्रेस। आज का तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, जो वंदे भारत एक्सप्रेस है कहां से कहां तक चलती है, किन दो स्टेशन के बीच में चलती है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रेल कोच मैन्युफैक्चर कौन बन गया है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ऑफ चेन्नई, हमेशा याद रखना है। देखो आपको यहां पर दिखाई भी दे रहा होगा, ये मैंने वहीं से इमेज लिया है, ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन है, कजाकिस्तान ने अपनी कैपिटल का रीनेम कर दिया है, जो वहां की कैपिटल थी कजाकिस्तान की, जिसका नाम था अस्ताना, अब ये अस्ताना के नाम से नहीं जानी जाएगी, ये जानी जाएगी नूर सुल्तान नजरबायेव। बस नूर सुल्तान को याद रखिए, नूर सुल्तान नजरबायेव। ये कौन थे, ये कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, ये 30 साल तक यहाँ के प्रेसिडेंट रहे, अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इनकी एज 78 है, एज वगैरह कुछ याद नहीं रखनी है, बस नजर सुल्तान रखिए, ठीक है। नूर सुल्तान, नजर सुल्तान नहीं, नूर सुल्तान नजरबायेव इनका पूरा नाम है। अब यहाँ के नए जो प्रेसिडेंट बनकर सामने आए हैं, जिन्होंने शपथ ली है, उनका नाम क्या है, कस्यम जोमार्ट टोकायो, कस्यम जोमार्ट टोकायो। तो इन्होंने बनते ही अनाउंस कर दिया कि उनके ओनर में, जो हमारे नूर सुल्तान थे 30 साल तक प्रेसिडेंट रहे, उनके ओनर में हम यहाँ की कैपिटल का रीनेम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बिहार से है, बिहार दिवस सेलिब्रेट किया गया 22 मार्च को, क्योंकि 1912 में बंगाल से सेपरेट हुआ था, बिहार बनाया गया था, तो उसी की याद में हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, और ये बिहार का 107वां फाउंडेशन डे था, 107वां फाउंडेशन डे था। इसके साथ ही आपको याद रखना है बिहार के गवर्नर कौन है, लालजी टंडन है भाई। लालजी टंडन को इस तरह से याद रख लो भाई, बिहार में एक पर्सनालिटी बहुत ही फेमस है, सभी को पता है लालू जी, तो लालू जी से लाल वर्ड ले लो और उसको याद रख लो, लालजी टंडन है, ये याद हो जाएंगे आपको। फिर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, सभी को पता है भाई नीतीश कुमार जो पॉलिटिशियन है वो कहाँ से है, कहाँ से है, बहुत ही फेमस है, बिहार से है और यही चीफ मिनिस्टर है। तो बिहार के बारे में कंप्लीट हुआ हमारा। CBSE ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है शिक्षा वाणी, ठीक है, शिक्षा वाणी ऐप लॉन्च की है। CBSE स्टैंड फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इस ऐप का काम क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को, टाइम टू टाइम जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी उसके बारे में आपको बताती रहेगी। CBSE के चेयरपर्सन अनीता करवाल हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है। शिक्षा वाणी ऐप को किसने लॉन्च किया, CBSE ने, या CBSE ने किस ऐप को लॉन्च किया है, शिक्षा वाणी को, ठीक है, ये आपके एंड्रॉयड और एप्पल iOS पर दोनों पर अवेलेबल है। फिर बैंकों से जुड़ा करंट अफेयर है, SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ चाइना के साथ एक MOU साइन किया है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है, बिजनेस की जो संभावनाएं हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको बढ़ा देने के लिए। MOU स्टैंड फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करने के लिए एक तरह का एग्रीमेंट होता है। तो 2018 के
सभी एग्जाम में क्वेश्चन एक रिपीट हुआ था कि चाइना का कौन सा बैंक इंडिया में अपनी ब्रांचेस ओपन करने जा रहा है, तो उसका आंसर था बैंक ऑफ चाइना। बैंक ऑफ चाइना मुंबई में अपनी ब्रांचेस ओपन करने जा रहा है और एसबीआई की पहले से ही संघाई में चाइना में ठीक है ब्रांचेज हैं, तो एसबीआई जो बैंक ऑफ चाइना है वो एसबीआई की हेल्प करेगा संघाई में बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, और एसबीआई हेल्प करेगा बैंक ऑफ चाइना की मुंबई में अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, ये याद रखना है आपको, बैंक ऑफ चाइना इंडिया में अपनी ब्रांचेज ओपन करने जा रहा है मुंबई में, और इसने एसबीआई के साथ एमओयू साइन किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एसबीआई के चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार। रजनीश कुमार एसबीआई के चेयरपर्सन है, इसमें एमडी सीईओ नहीं होते, यहाँ पर चेयरमैन हो चेयरपर्सन होता है। दूसरी बात, एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। फाउंडेशन डे क्या है? 1 जुलाई ऑफ 1955। और एक और चीज मैं बताऊं, कैपिटल के हिसाब से बैंक ऑफ चाइना दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट बैंक है, और एसबीआई भी टॉप 50 बैंक्स में आता है, वर्ल्ड वाइड टॉप 50 बैंक्स में आता है, अराउंड 45 एसबीआई की भी रैंक है। व्यास सम्मान अवार्ड से किसे नवाजा गया? व्यास सम्मान अवार्ड किसे दिया गया? हिंदी राइटर हैं हमारे जिनका नाम है लीलाधर जगोड़ी। लीलाधर जगोड़ी को व्यास सम्मान अवार्ड दिया गया है, ये हिंदी राइटर को है, हिंदी में काम करने के लिए व्यास सम्मान दिया जाता है, पिछले 10 साल में जो भी इन्होंने उपलब्धियां दी हूं। इनको किसके लिए सम्मान दिया गया है? इनकी पोएम्स है, पोएम्स का कलेक्शन है, जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम, इसके लिए दिया गया है। तो आपको इनकी चाहे पोएम्स याद ना रखो, आपको बस ये जरूर याद रखना है व्यास सम्मान अवार्ड किसे दिया गया है। व्यास सम्मान अवार्ड लीलाधर जगोड़ी को दिया गया है। इस अवार्ड में 4 लाख रुपए का कैश दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मैंने आपको बता दी है। और 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने इस सम्मान को, इस अवार्ड को स्टार्ट किया था। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब ऑब्जर्व किया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है? 21 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल के लिए 2019 के लिए इसकी थीम है फॉरेस्ट एंड एजुकेशन। आप यहां भी इमेज में देख पा रहे होंगे, फॉरेस्ट एंड एजुकेशन इस साल के लिए इसकी थीम है। अगला भी डे से रिलेटेड है, वर्ल्ड वाटर डे या इंटरनेशनल वाटर डे इज ऑब्जर्व ऑन 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके लिए थीम क्या है? लिविंग नो वन बिहाइंड, लिविंग नो वन बिहाइंड। आज हमने 10 करंट अफेयर किए हैं और ये 21 और 22 मार्च के लिए है, इसके बाद मैं आपके लिए 23 मार्च के लेके आऊंगा। अगर करंट अफेयर कम हुए किसी दिन तो मैं 2 दिन के एक साथ लेके आऊंगा, और मैं सभी के सभी करंट अफेयर यहां पर कवर नहीं करूंगा, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के शॉर्ट चांसेस रहेंगे, वही करंट अफेयर करवाऊंगा, आपको एक्स्ट्रा बकवास कुछ भी नहीं मिलेगी यहां पर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम, और कमेंट बॉक्स में आपको अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आता था इनमें से भी तो उसका भी आंसर करना है, मैं आपके कमेंट्स को पर्सनली चेक करता हूं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।